सिंपल सा आंसर है, इससे कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारी ख्वातीन हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको ब्रेस्ट पे चोट लगी होती है, उन्होंने कभी अपना मुआयना नहीं किया होता, तो उस चोट की वजह से जब वो अपना मुआयना करती हैं तो उनको कोई गिल्टी महसूस होती है, तो वो गिल्टी उस वक्त उनको पहली दफ़ा पता चलती है। हो सकता है वो गिल्टी बहुत टाइम से हो, लेकिन क्योंकि उस चोट की वजह से उन्होंने अपना मुआयना किया होता है और उनको वो गिल्टी महसूस होती है और वो हमारे पास आती हैं और हम उसको फिर फर्दर टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली वो चोट उस गिल्टी का सबब नहीं बनती, बल्कि एक चांस बनती है कि वो अपना मुआयना करती हैं और वो सामने आ जाती है। सो ब्रेस्ट को अगर कोई चोट लगती है तो वो एक ज़ख़म भी हो सकता है, वो स्किन पे कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। तो ऐसी चेंजेस या ऐसा ज़ख़म टाइम के साथ साथ खुद ही हील कर देना चाहिए। जिस तरह किसी भी जिस्म के दूसरे हिस्से पे चोट लगती है तो वो वक्त के साथ साथ हील हो जाना चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो रही है जो आप उस चोट से रिलेट कर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। टू बी वेरी सिंपल, मैं ये कहूँगी सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने चोट की वजह से एक्चुअली आपको वो गिल्टी फील हुई होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अगर ये आप अपना मुआयना बाकायदगी से करेंगे तो ऐसी चीज़ें जो है वो मिस नहीं होंगी। Thank you.